बिहार में कोरोना वायरस की रफ्तार को कम करने के लिए तीसरे चरण में 18 वर्ष से 44 साल वालों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत आज से हो गई है। टीकाकरण को लेकर मुजफ्फरपुर के युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जिले के कई टीकाकरण केंद्रों पर युवाओं की भीड़ देखने को मिली है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ी, लेकिन युवा वैक्सीन लगवाने को लेकर काफी उत्साहित दिखे। इस बीच युवाओं का कहना है कि उन्हें काफी दिनों से वैक्सीन का इंतजार था और आज वो इंतजार पूरा हुआ। काफी दिनों से 18 प्लस बिहार में अभी खुला है, तो काफी दिनों से वेट कर रहे थे। जैसे ही खुलेगा वैसे ही हम लोग ने शेड्यूल करा और अभी आए। काफी टाइम लगा, भीड़ काफी थी। दो फील यही रहेगी कि ले लीजिए, मतलब आप खुद को भी सेफ रखिए, फैमिली को भी सेफ रखिए, सोसाइटी को भी सेफ रखिए। वैक्सीन लेने वाले युवाओं ने लोगों से कोरोना टीकाकरण के लिए अपील भी की है। सबको कहेंगे कि जल्द से जल्द ले ले, शायद यही सबको बचा के रखे, तो इसलिए जल्द से जल्द एक गवर्नमेंट कुछ कर रही है, उसको योगदान दे रही है, तो हम लोग सहायता देना चाहिए। सभी आके वैक्सीन ले जल्द से जल्द। कितने दिनों से इसका इंतजार कर रहे थे वैक्सीन? एक वीक ऑलमोस्ट बिहार में अभी से स्टार्ट हुई है, तो अभी सबको लेना चाहिए। और अन्य युवाओं से भी अपील है कि वो भी वैक्सीन लगवाएं और अपने जीवन की रक्षा स्वयं करें। युवाओं को हम कहेंगे कि हम अपना वैक्सीन लगा लिए हैं, सब उसको कहेंगे कि अपना अपना बारी आएगा, आप लगा लीजिए वैक्सीन।